No ball. Beamer keen. Over base thigh pull toss. और अब काफी अच्छा अवसर यहाँ पर शेखर के लिए क्रिएट. अक्षय टू शेखर. बढ़िया गेंद. शेखर थोड़े से हक्के बक्के रह गए वहां पर. बहुत ही कम उछाल अस्तम के करीब. जब गुडलिन से आगे गेंद रहती है तो कई बार ऐसा देखने को मिला. आज गेंद नीचे ही रही है. तेज बॉल लेकिन दिशाहीन. अक्षय थेटे जो कि एक स्टार खिलाड़ी है नानकर टीम के लिए. और दूसरी तरफ शेखर दलवी और समीर दोनों भी दलवी ब्रदर्स बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं. शेखर ने तो पिछले मैच में कमाल की बैटिंग की थी. रोमांचक मैच जीता था. बेहतरीन गेंद. बहुत ही जबरदस्त गेंद. इन स्विंगिंग यॉर्कर शेखर भले ही एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज है लेकिन अक्षय भी कम नहीं है. कि गेंदों के विरुद्ध भी बड़े प्रहार करना उतना आसान काम नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए. स्कोर 5 रन. खानीवाली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई. अक्षय एक बार फिर से इस बार गति परिवर्तन. पहले ही खेल बैठे. अक्षय की गेंदों को परखना थोड़ा सा मुश्किल है. मिश्रण काफी अच्छा करते हैं. तेज डालते हैं धीमा डालते हैं. ये कटर्स काफ़ी प्रभावशाली रहते हैं और जो तेज़ इन स्विंगिंग यॉर्कर डालते हैं वो भी बहुत ही खतरनाक गेंद उनकी. इस बार अंदर की तरफ लाए तेज गेंद. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. किसी तरह से एक रन यहाँ पर लेते हुए समीर. और पैरों पर गेंद लग रही है बल्लेबाजों की. तो धीमी शुरुआत कही जा सकती है टीम के लिए. 6 रन बिना किसी नुकसान के. कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है. बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया हेलीकॉप्टर ऑन ड्राइव. 2 रन लेने की कोशिश यहाँ पर और आसानी से 2 रन शेखर के खाते में. तो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए. आजादी भरत ने नहीं दी है अपने ओवर में. अक्षय थेटे ने इस बार कमजोर गेंद लेकिन कैच मिला नहीं. और फिर से टाइमिंग वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर शेखर की होती है. तो केवल 1 रन इस गेंद पर. पहला ओवर समाप्त. 9 रन बिना किसी नुकसान के. बहुत ही दिन एक है कड़का परिसर में पहली बार रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन. प्रभास 11 ढोले टीम को इसका सारा श्रेय जाता है. और प्रभास 11 ढोले टीम ही पहली टीम बनी है इस ग्रामीण ग्रुप में फाइनल में पहुंचने वाली. और ये दूसरा सेमीफाइनल इस समय खेला जा रहा है. नेवर की पहली गेंद. बेहतरीन पुल शॉट. पुल और डिलाइटफुल. 6 रन. जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की. सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में. और इसे ही कहा जाता है कि अच्छी टाइमिंग से खेला हुआ शॉट. तो पहला सिक्सर इस मैच का शेखर के बैट से. स्कोर उछलता हुआ 15 रन बगैर किसी नुकसान के. गेंदबाजी के लिए आकाश. लाइन से होता विकेट. ओह प्लेड ऑन. ही हैज चॉप्ड इट ऑन ऑन टू द स्टंप्स. अनलकी शेखर दलवी काफी अनलकी रहे. ऑफ स्टंप की काफी बाहर की गेंद. उसको खेलने का प्रयास किया. बहुत बड़ा इनसाइड एज और सीधे स्टंप्स पर. तो ये बहुत ही बड़ी सफलता आकाश को मिलती हुई नानकर टीम को मिलती हुई. शेखर दल भी ऐसे लग रहा था कि
एक बार फिर से बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन नहीं, 12 रन बनाकर आउट हुए, 15 पर एक इस समय खानिवली टीम। नए बैट्समैन राहुल, पिछला मुकाबला हम देखे तो बहुत ही रोमांचक मैच जो रहा था खानिवली टीम का, जिसने जीत दर्ज की आखिरी गेंद पर। और क्लीन बॉल इस बार, एक और विकेट, दो गेंदों पर दो झटके। ये गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और राहुल बिना सोचे समझे वहां पर बल्ला घुमा बैठे अक्रॉस द लाइन। अक्रॉस द लाइन जब बैट्समैन खेलता है तो फिर गेंद बल्ले पर आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते नहीं है, तो खामियाजा भुगतना पड़ा वहां पर अपनी गलती का राहुल को। हैट्रिक पर गेंदबाज आकाश, अभी तक कोई भी गेंदबाज हैट्रिक नहीं ले पाया है इस टूर्नामेंट में पूरे दिन के खेल में, लेकिन यहाँ पर अब मौका बना है आकाश के लिए। नए बैट्समैन बायत के दर्शन, दर्शन ओपन करने आ रहे थे इससे पहले, लेकिन इस मैच में नंबर 4 पर उनको रखा गया है और दबाव की स्थिति में क्रीज पर हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए दर्शन। हालांकि हैट्रिक के लिए कुछ क्लोजिंग फील्डर्स नहीं है, लेकिन बेहतरीन यॉर्कर, तीसरा डंडा, हो हो, तीन बल्लेबाज बोल्ड आउट हुए हैं। एक अनूठी हैट्रिक मानी जाएगी, तीन के तीन बल्लेबाज बोल्ड हुए हैं। हालांकि शेखर दलवी प्लेड ऑन हुए, लेकिन जो डिसमिसल उनका है वो भी बोल्ड में ही आता है और उसके बाद राहुल बोल्ड हुए और ये परफेक्ट यॉर्कर, ऊंची बैकलिप से खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर टकराई। तो दर्शन भी पेवेलियन में लौटते हुए, एक बहुत ही यादगार हैट्रिक ये, इसको दर्शक कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत ही शानदार हैट्रिक। पंडा परिसर में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन, रेनी क्रिकेट और इस टूर्नामेंट का ये पहला हैट्रिक आकाश के नाम। ये तारीख याद रखिएगा, 28 जुलाई 2018। नए बैट्समैन रोशन, दाहिने हाथ के बैट्समैन सामना करते हुए, फ्लाइटेड गेंद, गति परिवर्तन, और अब तो प्रयोग किए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो की कोशिश हो रही है, गेंद मिली नहीं थी, वहाँ पर गेंदबाज खुद चले गए थे शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुम हो गई घास में और दो रन। तो काफ़ी देर बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बोल्ड की हैट्रिक, एक ऐसे हैट्रिक जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वसीम अकरम पाकिस्तान के 2 बार ले चुके हैं। इस बार करारा पंच, लेकिन फील्डर मौजूद है दीप एक्स्ट्रा कवर पर, बढ़िया दौड़, लगा कि शायद एक ही रन बनेगा लेकिन न, 2 रन वहां पर चुरा लिए, इन 2 रनों से स्कोर अब 19 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये बहुत ही यादगार और सफल ओवर समाप्त हुआ आकाश का। पहले ओवर में 9 रन आए थे और आकाश के ओवर की शुरुआत सिक्सर से हुई थी, शॉर्ट बॉल पर छक्का जड़ा था शेखर दलवी ने, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की वापसी, थोड़ा सा किस्मत का साथ मिला शेखर के विकेट में, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद जिस पर बल्ला चलाया शेखर ने, प्लेड ऑन हुए, उसके बाद बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बोल्ड की हैट्रिक अपने नाम की आकाश ने। आखिरी ओवर लेकर अमोल, फुल टॉस गेंद और उसको भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, ताकतवर बल्लेबाज है, मुझे कटकाटी देख कर अंदाजा आता है कि मिस टाइम स्ट्रोक भी शायद खेलेंगे, तो ये जो मैदान है यहाँ पर तो बाउंड्री को पार कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी बाउंड्री नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मिस टाइम स्ट्रोक खेले तो बाउंड्री के बाहर जाए।
समीर वही बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मैच में आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर अपनी टीम को जिताया। इस बार प्ले एंड मिस, अच्छी लाइन और स्टंप के बाहर। अमोल ने भी निश्चित रूप से प्रभावित किया है, पर नानकर टीम जो टेनिस बॉल क्रिकेट में हम देखते हैं वो टीम नहीं है, ये एक अलग साइड नज़र आ रही है। हालांकि आक्षेप थेटे हैं, इसमें संकेत भी है और बेहतरीन गेंद, एक और गेंद डंडे पर लगती हुई। आपने आपको रूम देकर खेलने का प्रयास किया था समीर ने, इनसाइड आउट ये देखिए, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और सीधे ऑफ स्टंप पर टकराती हुई गेंद। अच्छी यॉर्कर लेंथ गेंद और विकेट टू विकेट गेंदबाजी का फायदा कई बार हमने देखा है कि गेंदबाजों को मिलता है। तो चौथे विकेट का पतन, रन संख्या 25, पारी में सिर्फ 3 गेंदे शेष, 30 के आसपास यदि स्कोर रहता है तो नानकर टीम के कैप्टन काफी खुश रहेंगे। नए बैट्समैन सचिन, और आते ही उछाल दिया है, बढ़िया टाइमिंग, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको लपेटा लगभग मिड विकेट और स्क्वेयर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी थे, लेकिन कोई अवसर नहीं, टाइमिंग अच्छी थी। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला है, स्ट्रोक बनाया है, बढ़िया छक्का, स्कोर उछलता हुआ 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अमोल सचिन के लिए, और एक और अच्छा स्ट्रोक सचिन के बैट से, इस बार पुल किया है डीप मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर पहुंचे, उनका थ्रो भी पहुंचा बॉलर के पास, लेकिन तब तक 2 रन पूरे हो चुके थे। एक अच्छा मैच होने की पूरी पूरी संभावना है, 33 रन आखिरी गेंद आते हुए पारी की, सचिन 8 पर सामना करते हुए, और फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, दूसरा सिक्सर सचिन के बैट से, और बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा किया है इस सेमीफाइनल मुकाबले में खानीवली टीम ने, 3 ओवर्स में 39 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब नानकर टीम के बल्लेबाजों को काफी पसीना बहाना पड़ेगा, 40 रन बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। क्रीज पर नानकर टीम की 40 रनों की चुनौती है फाइनल में पहुंचने के लिए।
सलामी जोड़ी अक्षय थेटे और उनके साथ संकेत। संकेत हालांकि एक गेंदबाजी में भी अच्छे विकल्प थे लेकिन उनको गेंदबाजी नहीं दी गई। पहली गेंद रोशन द्वारा लगाना चाहते थे अक्षय, बीट हुए बॉल से शुरुआत। एक मौका था यहाँ पर अक्षय के पास, जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। तो 13.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। शॉट गेंद और थप्पड़ सा लगाया है, कैच हो सकता था लेकिन मुश्किल। आतिश गुडविन ने एक बहुत ही जबरदस्त एथलीट है, बहुत ही जबरदस्त फील्डर है, कोशिश की थी उन्होंने लेकिन काफी दूर रह गए। माफ कीजिएगा, शेखर दल भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे फील्डर भी है शेखर। कोशिश की थी उन्होंने लेकिन गेंद से थोड़े दूर भी रह गए। संकेत के पास स्ट्राइक, इस बार अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। वाइट गेंद, रन संख्या 2 बिना किसी नुकसान के। एक ठोस शुरुआत की जरूरत यहाँ पर नांदकर टीम को। फिर से देखा पर का और जाने दिया, एक और वाइट गेंद, अतिरिक्त रन। एक एक रन की कीमत होती है और जब मुकाबला बहुत रोमांचक हो जाता है तो फिर बाद में पता चलता है कि ये अतिरिक्त रन कितने घातक है। इस बार फटकी हुई गेंद, अच्छा उछाल और स्क्वायर लेग अंपायर इशारा करते हुए वन फॉर द ओवर। बाउंसर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है कई गेंदबाजों ने। एक तो बाउंस होता ही है वैसे भी रबर बॉल में, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए किसी तरह से ये रन छुड़ाते हुए। तो बल्ले से कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है इस ओवर में। रन संख्या 4 बिना किसी नुकसान के, 18 गेंदे और 40 रन। इस तरह का समीकरण पारी की शुरुआत में था लेकिन अब समीकरण बदलता हुआ, और ये तो होता रहता है क्रिकेट के खेल में, हर गेंद के बाद समीकरण बदलता रहता है। यहाँ से अब 36 रन चाहिए। आगे निकले थे लेकिन दूर से खेलने का प्रयास, अपने आप को रूम भी दे रहे थे, फिर से बीट हुए हैं अक्षय थेटे दूसरी बार इस ओवर में। एक अच्छी सोच नजर आ रही है कि अक्षय को ऑफसाइड में खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उस प्रयास में कुछ वाइड गेंदें भी, तीसरी वाइड गेंद, एक गेंद अभी भी शेष है पहले ओवर में। स्कोर 5 रन, 3 वाइड गेंद जरूर की है लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 5 रन दिए है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा ओवर है, किफायती ओवर अभी तक। वो पुल करने की कोशिश, फिर से बीट हुए अक्षय थेटे। शानदार ओवर की समाप्ति, 5 रन बिना किसी नुकसान के, ओनली फ्रेंड्स नानकर। 12 गेंदे शेष और 35 रनों की जरूरत। तीन वाइड गेंदे डालने के बावजूद भी सिर्फ
एक नो बॉल से भी मैच बदल जाता है कई बार हमने देखा है, क्योंकि नो बॉल जब होती है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो फ्री हिट देता है। यहाँ पर फ्री हिट का मौका है अक्षय के पास, स्कोर 11, अभी भी 29 रन और चाहिए। ओ आड़े बैट से खेलने की कोशिश, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, अच्छी गेंदबाजी, 9 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। ये समीकरण काफी कठिन नजर आ रहा है नानकर टीम के लिए, तेज शुरुआत की जरूरत थी वैसे मिली नहीं है। एक और बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, यॉर्कर लेंथ, शेखर अच्छा मिश्रण करते हुए, पिछले दोनों गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादातर अधिकांश गेंदे इस पारी में ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से और फिर से वही नतीजा, एक और डॉट बॉल, अच्छे थे बिल्कुल भी टच में नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार 3 डॉट बॉल्स। इस बार बैक ऑफ द हैंड उसको पुश किया है कवर में और सिंगल, केवल सिंगल चहलकदमी करते हुए। तो अब अक्षय ने भी ठान लिया है कि स्ट्राइक वो अपने पास रखेंगे और कोशिश करेंगे आखिरी ओवर में बड़े बड़े शॉट्स खेलकर मैच जिताने की, लेकिन उतना आसान काम नहीं रहेगा क्योंकि 28 रन चाहिए आखिरी ओवर में। शेखर का बढ़िया ओवर समाप्त हुआ, सिर्फ 7 रन दिए अपने ओवर में शेखर ने, विकेट कोई भी गंवाया नहीं है इस पारी में अभी तक नानकर टीम ने, लेकिन जिस तरह से रनों की जरूरत थी, जो रफ्तार चाहिए थी पारी की शुरुआत से, वो मिली नहीं। दबाव बनाया पहले ओवर में रोशन ने, सिर्फ 5 रन खर्च किए और उस दबाव को बरकरार रखा अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शेखर ने, और तीनों भी गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाज है, उनका गेंदबाज है खानिवली टीम के, सचिन के पास अब जिम्मेदारी, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है आखिरी ओवर की। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लेकिन उसको भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। इस बार 2 की कोशिश, इक्का दुक्का रनों से दाल गलने वाली नहीं है, बात बनने वाली नहीं है नानकर टीम के लिए, जरूरत है बाउंड्रीज की, चौकों छक्कों की बौछार करनी पड़ेगी हर गेंद पर, अब तो लगभग बड़ा शॉट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 5 गेंदे और 26 रन समीकरण है। क्या अक्षय यहाँ पर टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए मैच जिता पाएंगे, एक बड़ा सवाल। सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बड़ा शॉट जरूर है, उड़ता हुआ शॉट और लॉन्ग ऑन को क्लियर किया, 6 रन, और आखिरकार जो कोशिश कर रहे थे अक्षय उसमें सफल होते हुए, थोड़ा देर से ये आया है स्ट्रोक, बड़ा शॉट लेकिन दुरुस्त आया है, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ, 4 में 20 चाहिए, लेकिन इस बार मिस टाइम शॉट, फिर से 2 रन लेने का मौका यहाँ पर बनेगा, अक्षय बहुत ही तेज है विकेटों के बीच में, शेखर ने थ्रो किया था स्टंप्स पर, गेंद लगी नहीं और स्कोर पहुंचता हुआ 22 बिना किसी नुकसान के, 3 गेंदे और 3 छक्कों की जरूरत। विकेटों की हैट्रिक देखी इस मैच में हमने, नानकर टीम के आकाश ने बोल्ड की हैट्रिक ली, अब क्या छक्कों की हैट्रिक देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, गति परिवर्तन और अब तो जीत सुनिश्चित होती हुई यहाँ पर खानिवली टीम की, 2 गेंदे 18 रन, तो पहली टीम बनी है प्रभास 11 ढोले इस ग्रामीण ग्रुप से फाइनल में पहुंचने वाली, और दूसरी टीम बस 2 गेंद इंतजार करना पड़ेगा। लोअर फुल टॉस, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और कोई गलती नहीं, अक्षय थेटे आउट। तो आज के दिन के खेल की आखिरी गेंद महज औपचारिकता है, बेहतरीन प्रदर्शन इस सेमीफाइनल मैच में खानिवली टीम द्वारा, और क्या बेहतरीन दिन रहा आज का पड़गा परिसर के लिए, पहली बार रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, आखिरी गेंद लीगल गेंद और इसके साथ ही सेमीफाइनल को जीत लिया है खानिवली टीम ने और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रभास 11 ढोले आयोजित प्रभास प्रणव रबर बॉल चषक 2018 में, वेरी वेरी वेल प्लेड खानिवली टीम, बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त रही, बैटिंग में भी एक कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिला और बहुत अच्छा योगदान है
जो सचिन ने दिया था उसको हम नहीं भूल सकते हैं। 14 रन आखिर के कुछ गेंदों पर बहुत ही बढ़िया प्रहार किए थे उन्होंने, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया था 39 पर। और गेंदबाजी में हम देखें तो रोशन ने बढ़िया शुरुआत की, सिर्फ 5 रन, शेखर ने 7 रन दिए। सचिन थोड़े से महंगे जरूर साबित